हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिज किचन। आज हम बनाने वाले रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी। चलिए स्टार्ट करते हैं भिंडी को। धो लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। अब देखिए ये अच्छे से सूख गई है। मैंने यहाँ पर पावर भिंडी ली है। इसकी ऐड 2 टेबलस्पून तेल, 2 से 3 टेबलस्पून बेसन, हरा धनिया, दही, प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। एक प्याज लिया है मैंने यहाँ पर। एक टमाटर लिया है, इसकी मैंने मिक्सर में इसको पीस के इसकी प्यूरी बना ली है। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च, नमक आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जीरा, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया और गरम मसाला। अब भिंडी को काट लेंगे हम। भिंडी के लिए आगे और पीछे के लिए कट कर देंगे। आप चाहो तो इसे बारीक भी काट सकते हो, आप किसी भी शेप में से काट सकते हो। ऐसे सारी भिंडी को काट लीजिए। अब भिंडी काट के तैयार कर ली है। ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च और इसके ऊपर बेसन डाल दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आपको ये थोड़ा सूखा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मतलब अगर ये थोड़ा गीला भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी, 1 टीस्पून इतना। अब तेल गरम हो गया है, मैं इसमें भिंडी शैलो फ्राई करूंगी। आपको गैस का फ्लेम स्लो रखना है। हमें इसे धीमी आंच पर इसलिए पकाना है कि ये जले नहीं। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो इसका कलर जल्दी ब्राउन हो जाएगा और ये अच्छी नहीं लगेगी और अंदर से भी नहीं पकेगी। हमारी ये भिंडी शैलो फ्राई हो गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैंने इसको निकाल लिया है। मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दूंगी, 1 टीस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें प्याज आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं इसे इसका कलर ब्राउन होने तक भूनूंगी। डाल दूंगी मिर्च का कलर ब्राउन हो गया है, मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज का कलर ब्राउन हो गया है और गैस को लो कर देना है। सूखे मसाले, हरा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप इसको बिल्कुल गैस का फ्लेम स्लो करके रखें वरना ये मसाला जल सकता है। मसाला पक गया है, मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दूंगी। अब हम टमाटर की प्यूरी को पकने के लिए रख देंगे। अभी मसाला पक गया है, इसमें दही डाल दूंगी। दही मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिया है, इसे मिक्स कर दूंगी।
डाल दिया है। आप आपके अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। अभी अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें साइड की हुई भिंडी मिक्स कर दूंगी और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम भिंडी को स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे और हम इसे ढक देंगे। अब भिंडी पक गई है। मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी। तैयार है हमारी भिंडी की सब्जी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे वीडियो को पूरा देख